हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट क्राफ्ट आइडिया। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग ले ली है और उसके साइड में मैं ब्राउन एक्रेलिक कलर से इस तरीके से बॉर्डर बना लूँगी। बॉर्डर को मैंने प्लेन नहीं रखा है, थोड़ा ज़िगज़ैग ही रखा है और इसके अंदर साइड में इस तरीके से ब्लैक कलर से थोड़ी सी शेडिंग दे देंगे, सूखने देंगे और इसके ऊपर हमें जैसा इमेज चाहिए वैसा ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने सिंपल से एक बर्ड बनाया है और कुछ टहनियाँ बनाई हैं। इसे कलर करने के लिए मैं स्केच पेन का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी और कलर का यूज़ कर सकते हैं। स्केच पेन से ड्राइंग करना मेरे लिए काफ़ी इजी हो रहा था, इसलिए मैं स्केच पेन का यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए मैंने स्केच कलर में स्काई ब्लू कलर नहीं था तो उसके लिए मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। स्काई ब्लू और ब्राउन कलर का यूज़ करके इस बर्ड को पेंट कर लेंगे। कलर कर लेने के बाद मैं आउटलाइन करने के लिए ब्लैक स्केच पेन का यूज़ कर रही हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने स्केच पेन का ही यूज़ किया है, बस स्काई ब्लू कलर नहीं था उसके लिए मैंने एक्रेलिक कलर को यूज़ किया है। स्केच पेन की हेल्प से ये जल्दी बन जाता है और काफ़ी ईजिली बन जाता है और देखने में भी ये काफ़ी सुंदर लगता है। इसी तरीके से मैं बाकी की पत्तियाँ और फूल भी स्केच पेन से बना लूँगी। इस मेथड का यूज़ करके आप किसी भी तरीके की ड्राइंग बना सकते हैं या फिर कुछ कोट्स भी लिख सकते हैं और एक बार बन जाने के बाद ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर आपकी पेंटिंग या ड्राइंग काफ़ी अच्छी है तो ये और भी खूबसूरत बना सकते हैं। मैंने इसे काफ़ी सिंपल रखा है और मुझसे जो ईजली बन जाता है मैंने उसे ही बनाया है। इतना कंप्लीट कर लेने के बाद इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड कर लेंगे और छोटी छोटी सी फ्लावर भी बना लेंगे। अगर आप वाटर कलर का यूज़ करते हैं और आपके पेपर में रिंकल आ जाता है तो इसे प्रेस करके भी सही कर सकते हैं। बर्ड का आइज बनाने के लिए मैं वाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ और इसी वाइट से मैं फ्लावर के बीच में डॉट डॉट कर दूँगी। इसके बाद मैं शादी का कार्ड ले रही हूँ, ये वाइट कलर का है और थोड़ा थिक है, उसके ऊपर मैं इसे स्टिक कर दूँगी जिससे ये फ्रेम जैसा दिखने लगेगा और थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। और इस तरीके से ये बनके कंप्लीट हो गया है। इसे बनाने में काफ़ी कम समय लगता है और उतना ही सुंदर लगता है। इसी तरीके से मैंने एक और बनाया है, चलिए फटाफट से उसे भी देख लेते हैं। सेम कलर का यूज़ करके मैंने इसमें भी बॉर्डर बनाए हैं और इसमें तो स्केच पेन की हेल्प से ही मैंने सारा ड्राइंग कंप्लीट किया है। स्केच पेन के बदले आप वाटर कलर या फिर एक्रेलिक कलर का भी यूज़ करके बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। पूरा फ्लावर बना लेने के बाद इसके ऊपर आउटलाइन बना लेंगे। इतना कंप्लीट करने के बाद मैं पत्ती और टहनियों में येलो कलर से हल्की सी शेडिंग दे दूंगी।
फ्लावर के ऊपर भी मैं डार्क कलर से हल्की सी शेडिंग दे दूंगी। और इतना कंप्लीट कर लेने के बाद मैं बटरफ्लाई को भी लाइट येलो कलर से कलर कर लूँगी। मैंने इसे हल्का लाइट येलो कलर से कलर किया है और ये हमारा पेपर वाला फ्लावर बनकर रेडी हो गया है। आप भी अपने घर में इसे ट्राई कर सकते हैं, ये काफ़ी सुंदर लगता है। ये थी मेरी आज की सुपर इजी एंड बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट क्राफ्ट वीडियो। होप यू ऑल टू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट टू प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।